Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. बेटे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेसन फोर्थ है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसके जो बुक वर्क है वही रहता है, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटे, तो ये ध्यान से आपने करना है. तो देखो क्या है, रीड एंड फाइंड, पढ़ो और ढूंढो. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक. आपने ये जो दो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक करेक्ट जो है वो फाइंड करना है, और क्या करना है आपने इसको फिल करना है ब्लैंक में. तो देखो क्या है, फर्स्ट वन, द कैट वॉज नेम्ड. कैट का क्या नेम था, हम लेसन रीड कर चुके हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो बेटे. कैट का क्या नेम था, किट्टी. कैट का क्या नेम था, किट्टी. आपने किट्टी पे क्या करना है, टिक करना है, और इसको लर्न भी करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना. ओके, तो सेकेंड वन देखो क्या है, किट्टी एंड ब्रूनो वुड. किटी और ब्रूनो दोनों क्या करते थे, किस ईच अदर या फाइट ईच अदर, एक दूसरे को किस करते थे या फिर लड़ाई करते थे. तो क्या आएगा, किस ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे ना. तो नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रूनो कैप्ट हिज मास्टर्स हाउस. जो ब्रूनो था कैप्ट रखता था हिज मास्टर्स हाउस, अपने मालिक के घर को, सेफ फ्रॉम माइस और सेफ फ्रॉम थीव्स. तो ब्रूनो क्या करता था, सेफ फ्रॉम थीव्स. जो किटी थी वो क्या करती थी, सेफ फ्रॉम माइस. ठीक है, जो डॉगी होते हैं वो क्या करते हैं, चोरों से हमारे घर को सुरक्षित रखते हैं ना, वैसे जो ब्रूनो एक डॉगी था वो अपने मालिक के घर को सेफ फ्रॉम थीव्स रखता था. ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट देखो क्या है, यस बेटे, तो क्या है, ब्रूनो एंड किटी वॉन्टेड देयर मास्टर. जो ब्रूनो और किटी थे वो क्या चाहते थे अपने मास्टर से, टू गिव दैम मीट एवरी डे. टू गिव दैम मीट एवरी डे या फिर टू गिव दैम ब्रेड एंड मिल्क एवरी डे. तो क्या आएगा, टू गिव दैम मीट एवरी डे. हर दिन वो उससे मांस चाहते थे ना, कि मांस का एक फ्रेश जो पीस है उन्हें हर दिन चाहिए. तो नेक्स्ट क्या है, किटी टोल्ड ब्रूनो दैट. किटी ने ब्रूनो को क्या कहा था, शी कुड नॉट फाइंड एग्रीमेंट या द माइस हैड निबल्ड एग्रीमेंट. तो क्या आएगा, द माइस हैड निबल्ड एग्रीमेंट. निबल्ड कहते बेटे कुतरना, जो चूहे थे चूहों ने क्या कर दिया है एग्रीमेंट को, निबल्ड कुतर दिया है. ठीक है, तो इस हालात में नहीं था कि उसे पढ़ा जा सके. ओके, तो ये फाइव जो आपके हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने करना है. आपने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लर्न कर ही लिए होंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं. तो देखो क्या है, मैच द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस. मैच द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस. तो मीनिंगफुल क्या होता है, जिनका कोई अर्थ हो. फ्रेजेस मुहावरे बनाओ इन वर्ड्स को मैच करके. तो फर्स्ट क्या है, अ जग ऑफ मिल्क. जग किसका होता है, अ जग ऑफ मिल्क. आपने इनको मैच करना है और इधर ऐसे ही राइट करना है, अ जग ऑफ मिल्क. नेक्स्ट क्या है, अ बार ऑफ चॉकलेट. अ बार ऑफ चॉकलेट. नेक्स्ट क्या, अ बॉक्स ऑफ मैचेस. अ बॉक्स ऑफ मैचेस. मैचेस क्या होती हैं, तीलियाँ होती हैं ना माचिस की, वो. अ केक ऑफ, केक किसका बनता है, सॉरी, अ केक ऑफ ब्रेड. अ केक ऑफ ब्रेड, ब्रेड का केक. अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. नेक्स्ट देखो क्या है, अ बाउल ऑफ सूप. अ बाउल ऑफ सूप क्या आएगा बेटे, अ बाउल ऑफ सूप. अ पीस ऑफ सॉक. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है बेटे, जो फ्लावर्स होते हैं उनका बंच होता है, गुच्छा होता है ना, और सॉप का एक पीस होता है, सूप का बाउल होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. यू कैन यूज वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स. ये जो वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं बेटे, और नीचे जो हैं पिक्चर्स दी गई हैं. तो आप अपनी बुक में देख ही रहे होगे, तो उन पिक्चर्स के ये वर्ड्स यूज़ करके उनकी जो एग्जैक्ट पिक्चर है रियल में जो उससे मैच करती है उसके साथ आप वो सेंटेंस लिखोगे. ठीक है बेटे, तो देखो क्या है, फर्स्ट वाला, सॉरी, एक मिनट बेटे, एक मिनट, ओपन हो रहा है अभी. तो देखो क्या है, गिलास ब्रेड की. तो ये क्या आएगा, शी इज
थर्स्टी, शी इज थर्स्टी, थर्स्टी कहता है प्यासा. सेकेंड क्या है, ये गुस्से में है ना लेडीज, तो कहेगा शी इज एंग्री, शी इज एंग्री. नेक्स्ट क्या है, दे आर हंग्री, जो थर्ड पिक्चर है उसमें जो बच्चे हैं ये आप देख रहे हो ना, जो ये थर्ड पिक्चर है इसमें बच्चे भूखे हैं ना, तो ये कहेगा दे आर हंग्री, दे आर हंग्री. तो ये देखो बच्चा ये थका हुआ है फिफ्थ नंबर पे, तो ये सॉरी फिफ्थ नंबर पे ये है, ये बच्चा थका हुआ कहेगा ही इज टायर्ड. सिक्स्थ पे है ये बच्चा बहुत खुश है ना, तो ये ही इज हैप्पी. ठीक है, तो ये हमारा ये रह गया, ये डरा हुआ है ना बच्चा, ये सॉरी ये वाला हमारा रह गया है फोर्थ नंबर पे. तो ये क्या बच्चा बहुत डरा हुआ है ना, ऐसे सांप है नीचे, ही इज अफ्रेड. अफ्रेड कहता है डरना, ही इज अफ्रेड, ये बहुत डरा हुआ है. ठीक है बेटे, तो इस टाइप से आपने ये दोनों पेजेस कंप्लीट करने हैं और इनको लर्न भी करना है. ठीक है बेटे, आज के लिए आपका इतना ही वर्क रहेगा. इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने क्वेश्चन आंसर और रिवीजन आप साथ के साथ रखोगे, जारी रखोगे, जिससे कि आपको अगले सेप्टेम्बर एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना. ओके बेटे, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.